कबीर पांच पहर धंधे गया और तीन पहर रया सोए, एक पैर हरि ना बजा फिर मुक्ति कहां से होए। आठ पहर 24 घंटे को, आठ पहर में पहले आठ पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो एक पैर में आठ, एक पैर में तीन घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि तीन पैर तैतन धंधा कराया 15 घंटे, पांच पैर तो, और तीन पैर तो सो गया, यानी एक दिन रात टोटल पूरा कर दिया, और एक पैर हरि ना बजा, तीन घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। पांच पैर धंधे गया, तीन पैर रया सो होए, एक पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहां से होए। यानी टोटल तीन घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में तीन घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो, बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरन करता जा, बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम बस वहां भक्ति करें, खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोड़ता जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते, तो आप भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जाए, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जाए, कोई फिल्मी गाने गावे है, कोई और बकवाद सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमरण में तीन घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम आध पौन घंटा, पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदरमणि, एक घंटा तो हो गया, आध 35 मिनट की आरती होती है, डेढ़ घंटा, बाकी डेढ़ घंटा आपका सिमरण भी हो जाए ना, सिमरण आध घंटा मंत्र, एक घंटे का श्वास का सिमरण, तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मान ली, क्योंकि आप जी बहुत से पापों से बच गए, सब बुराइयां त्याग दी, भगवान से डर करने लग गए, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। जैसे जब तक आप जी ने ये सदभक्ति नहीं ली, परमात्मा कबीर जी की साधना नहीं की, करते तो और उपासना जो करते हैं ब्रह्म तक, पर ब्रह्म तक, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा तक, इसमें सभी जो पूजाएं करते हो उन पूजाओं का फल, और जो पुण्य करते हो उन पुण्य का फल अलग से लिखा जाता है, और साथ में जो आपके द्वारा पाप होते हैं, जैसे किसान खेत में हल जोतता है उसके विषय में बता रखा है सुख संवेद में कि एक अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप होता है। एक अलाई, अलाई होती है 30 फुट चौड़ा, 20 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी किले की एकड़ की, इतना स्थान जिसमें से हल आड़ी, ऐसे एक अलाई बोलता था उसको, उसको ऐसे बैल को ले जाता आखिरी सिरे से और फिर उसको ऐसे जोतता था, बाया करता, तो उस टुकड़े को एक अलाई बोलते हैं। इतना स्थान हल से खोदा हुआ 20x200 फुट का एक हाड़ी ने जो खेत खोद दिया हड़ते, उसमें पाप और 1000 कसाई, एक बराबर पाप होता है, क्योंकि उसमें ना जाने कितने जीव जंतरा गए पेटा में, गए फाड़ी निकाल दी, वो कुछ निकाल दी और उसको इतना पाप होता है। अच्छा, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि उस खेत में गेहूं बो दिए, बाजरा बो दिया, और
चने बो दिए, ज्वार बो दी, तो उससे ऐटोमेटिकली कुछ बीज जड़कर जमीन पर गिर जाता है, उसको जीव जंतु खाते हैं, तो वो उसके गुड अकाउंट में और पाप बैड अकाउंट में ये न्यारे न्यारे डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था, कबीर परमेश्वर जी ने, कि धर्मदास जी कह रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते क्योंकि हम मांस नहीं खाते, और कबीर परमेश्वर जी एक मुसलमान की वेशभूषा में, जिंदा महात्मा की वेशभूषा में विराजमान थे। तो धर्मदास जी ने टोंट कस्या था कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमानों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, मांस नहीं खाते, जीवों को मारते नहीं। तो परमेश्वर ने कहा था, वो तो अच्छी बात है कि आप जैसे गाय बैल बकरे जो टेंडर नहीं मारते, लेकिन और भी पाप बहुत होते हैं आपसे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो पृथ्वी पर आप काम वश जा रहे हो, तो 1 करोड़ जीवों को डेली मार के विश्राम लेते हो, अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए जो उधर जाते हो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो नित्या। जो चूल्हा लीप के प्रतिदिन चूल्हे के आसपास पहले गोबर से लीपया करते, गार से, ये इतना क्षेत्र में जो तुम लिपाई करते हो, तो इतना पाप है आपको, 70 ब्राह्मण मार दियो। ब्राह्मण माने भक्त। वैसे तो किसी भी जीव हिंसा कर दें, किसी मनुष्य की हत्या कर दें तो महापाप है, लेकिन भक्त की हत्या करना और घोर पाप है। अब जैसे पोचा मारते हो आप जी प्रतिदिन, आजकल तो फिनाइल से लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है, कि वहाँ कीटाणु नाश कर दिए जाएँ, वो कीटाणु मरे जो हानिकारक होते हैं। तो वो जब तक आप सतगुरु कबीर परमेश्वर जी की सत साधना पूरे संत से लेकर नहीं करते, नकली संतों से नहीं, जिनके पास ये सच्चा नाम हो जो दास देता है, तो तब तक आपके दोनों ही पुण्य और पाप भिन्न भिन्न लिखे जाएंगे और वही आपको भोगने पड़ेंगे। फिर सारे के सारे पुण्य भी मिलेंगे। जैसे हाल ही का उदाहरण दिया कि उसने जो एक अलाई में इतने जीव मार दिए कि 1000 कसाईयों जितना पाप हो गया, फिर उसके द्वारा बीजे गई खेती से कुछ ऐसे दाने नीचे गिरे ऑटोमेटिकली, वो जीवों ने खाए, वो पुण्य हो गया। तो वो पुण्य और वो पाप अलग अलग लिख दिए, पुण्य थोड़े और पाप गणे। तो ऐसे ही आप पोचा लगाते हो या अपने काम बस जाते हो, तो सभी आपके पैरों के नीचे प्राणी मरते हैं, और ऐसे जीव हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, हवा में हैं, वह भी मारे जाते हैं। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, आप देखोगे आपका कपड़ा भी मैला हो जाता है, और हवा में उड़ रहे अदृश्य जीवों के द्वारा उनकी मृत्यु आपके छाती पर, मुंह पर, सब लग लग के मर गया। पंखा चलाते हैं, पंखे में भी जीव मर रहे हैं। अग्नि जलाते हैं, अग्नि में भी जीव मरते हैं। आटा गूंथते हैं, आटा, उसमें भी, सब्जी बनाते हैं, उसमें भी। तो ये उन भक्तियों से ये समस्या हल नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से आपके ऊपर क्या होगा कि ये जो पाप तो हैं, लेकिन उनको करना उद्देश्य नहीं, तो वो पाप आपका नहीं लगेंगे, उनको लगेंगे जो इस दास के द्वारा बताई गई साधना नहीं कर रहे, उनको तो पूरे लगेंगे, उनके बैड अकाउंट में लिखा ही जाएगा वो, और इससे नहीं लगेंगे। कहते इच्छा कर मारा नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगा। इच्छा कर कैसे मारे, जैसे शिकार खेलते हैं, या वैसे कोई भेंट देते हैं कि कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं, कि तो बोक चढ़ावे हैं, कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में, या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोविंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अरबिन इच्छा मर जाए, ये बाप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपकी आपका इच्छा, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे,
लेकिन सावधानी अवश्य बरते। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है या इन मकौड़ों की चिट्टों की जो लाइन है और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उसे बचने की चेष्टा करें, और बचने की चेष्टा नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्यनेम वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और किसी भी साधना से इनका कर्मों का नाश नहीं होता, दोनों ही भोगने पड़ते हैं। संचित भी न्यों के न्यों रहेंगे, डिपॉजिट, संचित माने डिपॉजिट, पहले के जन्म जन्मांतर के आपके बैंक भरे पड़े हैं वहाँ भगवान के दरबार में। पापों का अकाउंट और पुण्यों का अलग अलग होता है। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा की सत्साधना से अपना मोक्ष करवाना है। अब जैसे कर्म करेगा ऐसा ही फल देगा भगवान, तो इस विधान से तो हम कभी भी पार नहीं हो सकते हैं। और जो ये विधान इन अज्ञानी संतों ने बना रखा है कि जो भी तेरे भाग में है वो तो भोगना ही पड़ेगा, इस विधान से भी हम पार नहीं हो सकते।